हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा रहा था एक पोयम एलजी रिटन इन ए कंटी चर्चयार्ड, और उसकी समरी, थीम, सेटिंग और फॉर्म एंड स्टाइल, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। दो वीडियो इसमें मैंने बनाया था, उसमें मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं। तो अगर आपने अभी तक समरी या जो भी मैंने पढ़ाया इसके बारे में अगर नहीं देखी है वो वाली वीडियो, तो आप जा करके देख लीजिए। तो आज से मैं शुरू करने वाला हूँ इसका टेक्स्ट, आपको मैं लाइन बाय लाइन ये पोएम पढ़ाऊँगा और एक एक वर्ड की मीनिंग आपको बताऊँगा और वास्तव में जो है कि इसमें क्या कहा जा रहा है, हर एक लाइन की क्या मीनिंग है, ये सब कुछ मैं डिस्कस करूँगा बहुत अच्छे से। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बस मैं थोड़ा सा आपको पहले बता देता हूँ कि आपको करना क्या है समझने के लिए। देखिए, सबसे पहले आप अपनी जो है बुक खोल के बैठ कर जाइए, मतलब अपनी बुक ओपन करके बैठ जाइए, क्योंकि मैं लाइनें बोलूँगा वो आप वहाँ पर देखेंगे, और जो है कि ईयरफोन या जो भी आप कान में यूज़ करते हैं, जो भी मशीन वगैरह, उसको लगा लीजिए, क्योंकि अच्छे से सुनाई पड़े। मेरे पास यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह है तो मैं यहाँ पढ़ाऊँगा और आप वहाँ देखिएगा, मैं जो वर्ड कहूँगा उसकी मीनिंग आप लिख लीजिएगा, इतना आपको करना है। और मैं आपको बता दूं, मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में तीन स्टैंजा आपके डिस्कस कर दूं। एक जो है कि एक वीडियो में 3 स्टैंजा आपके कवर हो जाएंगे, तो टोटल आपके मैंने बताया था 32 स्टैंजा हैं, 32 स्टैंजा हैं, तो उसको ऐसे 6-7 वीडियो में जो है हम लोग पूरा कवर कर लेंगे। और मैं आपको बता दूं, कुछ लाइनें हैं जो थोड़ा आपको हो सकता है समझने में कहीं कहीं प्रॉब्लम आए, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल मैं समझा दूंगा उसको, एकदम इजी हो जाएगा। हालांकि जो है कि टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि मेरे जो पढ़ाने का स्टाइल है, तरीका है, थोड़ा अजीब है, कई लोगों को पसंद नहीं आता क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा समझाने लगता हूँ। लेकिन यकीन कीजिए कि आपको फिर ये पोएम जीवन में कभी भी भूलेगी नहीं, और आप किसी को भी पढ़ा पाएंगे, किसी को भी पढ़ा देंगे एक बार हमसे पढ़ने के बाद, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। ओके, तो अब हम इस पोएम की शुरुआत करते हैं, और अच्छे से आप लोग समझना, बुक जरूर खोल लीजिए, एक पेंसिल ले लीजिए, इतना आपको करना है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, जो पहला स्टैंजा है मैं उसको पढ़ता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लोविंग हार्ड विंड स्लोली ओवर द ली, द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स इज वेरी वे एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। द कर्फ्यू, कर्फ्यू मीन्स क्या होता है? कर्फ्यू मीन्स होता है घंटा या संकेत, घंटा या संकेत। टॉल्स का मतलब होता है बजना, घंटा बजता है, संकेत मिलता है, दोनों चीज़ों दोनों को समझते जाइए। द कर्फ्यू टॉल्स, घंटा बजता है, द नेल ऑफ पार्टिंग डे, और नेल का मतलब समाप्त हो जाना, अब चाहे आदमी हो चाहे कोई और हो, यानी सूचना हमें क्या मिलती है कि कोई समाप्त हो रहा है, ऑफ पार्टिंग डे। अब क्या समाप्त हो रहा है? पार्टिंग का मतलब विदाई, और डे मतलब दिन, यानी कि दिन की विदाई हो रही है, यानी कि दिन समाप्त हो रहा है और शाम हो रही है। मैं आपको पूरा भी समझाऊंगा, अभी तो मैं बस नॉर्मली आपको बता रहा हूँ, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, अभी मैं एग्जैक्ट आपकी मीनिंग बता रहा हूँ, अभी मैंने समझाया नहीं, एक्सप्लेन नहीं किया इसको। तो घंटा बज रहा है, यानी घंटा बज गया है और आपका जो दिन है वो समाप्त हो गया है, शाम होने वाली है। अब यहाँ कहने का मतलब पहली लाइन में यह है पोएट का, यहाँ वास्तव में चर्च का घंटा बज रहा है, चर्च का, और चर्च में जो घंटा बज रहा है वो इस बात का संकेत दे रहा है कि किसी की मृत्यु हो गई है। पार्टिंग का मतलब, पार्टिंग डे का मतलब दिन की तो विदाई हो ही रही है, साथ ही साथ किसी व्यक्ति की विदाई हो रही है, मतलब चर्च में, गिरजाघर में अगर घंटा बजा है, इसका मतलब वहाँ जो कवि है थॉमस ग्रे जो है कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं, तो उनको ये पता चल गया कि घंटा बजा, यानी कि कोई ऊपर गया। तो नेल का मतलब होता है समाप्ति, यानी कोई व्यक्ति समाप्त हो गया, किसी व्यक्ति की जीवन
किसी व्यक्ति का जो जीवन है वो समाप्त हो गया, और इसका संकेत कहाँ से मिलता है? चर्च में बजने वाले घंटे से। तो आप दो चीज़ें आप कनेक्ट कीजिए, दिन भी समाप्त हुआ और आदमी भी समाप्त हुआ, और इसकी सूचना हमें किससे मिल गई? चर्च में बजने वाले घंटे से। पहली लाइन आई होप आप समझ गए होंगे। अगली लाइन देखिए, द लोविंग हर्ड वेंड स्लोली ओवर द ली। द लोविंग हर्ड, लोविंग हर्ड मीन्स होता है पशुओं का झुंड, पशुओं का, जिसमें गाय बकरी भेड़ जो भी पशु हों, उनकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, बस पशु हैं वो। तो द लोविंग हर्ड, पशुओं का झुंड, जानवरों का झुंड, विंड, विंड मतलब चला आ रहा है, विंड मतलब होता है बहना, हवाओं का बहना, लेकिन विंड का मतलब यहाँ पर है चलना, यानी कि पशुओं का झुंड चला आ रहा है स्लोली, धीरे धीरे, ओवर द ली, चरागाह से, ली मतलब होता है चरागाह, यानी कि जो पशुओं का झुंड है वो धीरे धीरे चरागाह से आ रहा है, वापस आ रहा है। द प्लोमैन, और जो हलवाहा है, प्लोमैन का मतलब जो खेत जोतता है, हल चलाता है, उसको बोलते हैं प्लोमैन, किसान भी आप इसको कह सकते हैं। द प्लोमैन होमवार्ड, वो अपने घर की ओर, प्लॉट्स का मतलब होता है भारी कदमों से धीरे धीरे चलना, पैर घसीट कर चलना, एक प्रकार से ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा थका हुआ है। तो जो हलवाहा है, प्लोमैन है या किसान है, वो होमवर्ड मतलब घर की ओर, प्लॉट्स का मतलब बहुत भारी कदमों से चलता हुआ आ रहा है। हिज वेरी वे, अपने थके हुए रास्ते पर। अब देखिए यहाँ पर वेरी वे जो है कि यहाँ पर एक, अब रास्ता तो थक नहीं सकता, देखिए लिखा वेरी और वे, वे मतलब रास्ता, वेरी मतलब थका हुआ, तो रास्ता थका हुआ एक्चुअली नहीं है। थका हुआ कौन है? किसान। एक्चुअली एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, उसका नाम है ट्रांसफर्ड इफिथेट, ट्रांसफर्ड इफिथेट। तो उसमें क्या होता है कि जो एडजेक्टिव होता है वो किसी नाउन के पहले आता है, लेकिन वो विशेषता किसी दूसरे नाउन की बताता है। तो यहाँ देखिए वेरी जो है एडजेक्टिव है और वे नाउन है, तो वेरी नाउन के पहले आया है, लेकिन ये विशेषता किसकी बता रहा है? प्लोमैन की। एक्चुअली में वेरी को आना चाहिए प्लोमैन के पहले। जो हलवाहा है वो थका हुआ है, किसान थका हुआ है, सड़क नहीं थकी हुई है, लेकिन ये फिगर ऑफ स्पीच होता है, लिखने का तरीका होता है। तो जो थका हुआ किसान है वो अपने पशुओं के साथ, या आप कह सकते हैं पशु अलग से आ रहे हैं अपने घर की ओर, और जो किसान है थका हुआ वो भी अपने घर की ओर आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी आप, मैं लाइन पढ़ा रहा हूँ, अभी एक साथ इसको एक्सप्लेन कर दूँगा सही से, जो एक्सप्लेनेशन मैंने लिख रखा है उसको भी बता दूँगा, उसको आप चाहें तो कॉपी में लिख भी सकते हैं, अभी तो मैं समझा रहा हूँ। तो तीन लाइनों का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो है, चलिए अब मैं चौथी लाइन बता देता हूँ, फिर इसको चारों को एक बार में समेट देता हूँ। एंड लीव्स द वर्ल्ड, एंड लीव्स, और छोड़ देते हैं द वर्ल्ड, संसार को, टू डार्कनेस, अंधकार में, एंड टू मी, और मेरे लिए। यानी कि कब्रिस्तान में जो पोएट है वो अकेले बैठा हुआ है और देख रहा है कि चर्च की घंटी बज चुकी है, यानी दिन समाप्त हो गया है और किसी के मृत्यु हो गई है, ऐसा संकेत देती है। पशुओं का झुंड अपने घर की ओर आ रहा है, यानी कि अपने मतलब जहाँ चरने वगैरह गए होंगे खाने पीने खेत में, वहाँ से घर की ओर पशु लौट रहे हैं, और जो हलवाहा है या किसान है वो भी अपने थके हुए पैरों से, भारी पैरों से अपने घर की ओर आ रहा है, और संसार को अकेला छोड़ दिए। संसार को अकेला छोड़ने का मतलब अब वहाँ पर जो कवि है वो अकेला हो गया है और अंधेरा चारों ओर छाया हुआ, वही कह रहा है। एंड और लीव्स द वर्ल्ड, संसार को छोड़ दिए हैं ये लोग, टू डार्कनेस, अंधकार में, एंड टू मी, और मेरे लिए। यानी अब यहाँ पर कौन रह गया? एक तो अंधकार रह गया है, एक मैं रह गया हूँ, बाकी यहाँ कोई नहीं, सब जा रहे हैं वापस। तो ये चार लाइनें मैंने आपको टेक्स्ट, अभी जो टेक्स्ट में कह रहा था वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं थोड़ा आपको इसका एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ जो मैंने लिख रखा है। देखिए, द पोइट इज प्रेजेंट इन ए विलेज ग्रेवयार्ड, जो कवि है वो एक विलेज ग्रेवयार्ड में उपस्थित है, यानी कि एक गांव के गिरजाघर में उपस्थित है। इट इज़ द टाइम ऑफ इवनिंग,
ये शाम का समय है, विच मीन्स दैट इट इज़ अ टाइम ऑफ रेस्ट फ्रॉम द एक्टिविटीज़ ऑफ द डे। इसका मतलब ये है, अब शाम का समय क्या होता है, सभी लोग अपने काम से अपने घरों की तरफ वापस जाते हैं, कोई मार्केट में है तो भी घर की तरफ चलता है, तो ऐसे ही गाय पशु बकरी किसान सब लोग अपने कामों से अपने घर की तरफ जा रहे हैं, तो वही लिखा है इट इज़ द टाइम ऑफ रेस्ट, ये आराम करने का समय है फ्रॉम द एक्टिविटीज़ कामों से ऑफ़ द डे, दिन के कामों से आराम करने का समय, इसलिए सारे लोग सारी चीज़ें अपने घर की ओर जा रहे हैं। द इवनिंग बेल शाम की घंटी इन द चर्च इज़ रिंगिंग, चर्च में बज रही है, शाम की घंटी चर्च में बज रही है। द कैटल आर मूविंग स्लोली ओवर द पास्चर लैंड, और जो जानवर हैं कैटल हैं वो अपने घर की ओर आ रहे हैं चरागाह से। द टायर्ड फार्मर इज़ रिटर्निंग होम, जो थका हुआ किसान है वो भी अपने घर जा रहा है। देखिए यहाँ लिखा टायर्ड फार्मर, थका हुआ, जो वहाँ पर मैंने आपको बताया कि वहाँ पर कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया था, तो थका हुआ किसान भी अपने घर वापस लौट रहा है। बाय द सनसेट्स एंड द वर्ल्ड इज़ इनगल्फ्ड इन डार्कनेस, यानी कि जो सूर्य है वो अस्त हो रहा है और अंधेरा हो रहा है। ये मैंने आपको चार लाइनों का एक्सप्लेनेशन भी बता दिया और जो लाइनें थी उसको भी समझा दिया अच्छे से। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो नेक्स्ट इसकी चार लाइनें हैं उस पर बात करते हैं, ध्यान से समझिए। नाउ फेड्स, अब धीमा पड़ गया है। फेड्स का मतलब होता है धीमा पड़ जाना, मध्यम पड़ जाना, फीका पड़ जाना। नाउ फेड्स, अब फीका पड़ गया है, धीमा पड़ गया है। द ग्लैमरिंग लैंडस्केप, चमकता हुआ प्राकृतिक भूदृश्य। ग्लैमरिंग का मतलब चमकता हुआ, चमकीला। लैंडस्केप का मतलब प्राकृतिक दृश्य, यानी दिन था तो बहुत अच्छा दृश्य लग रहा था चारों तरफ, तो वो कह रहा है कि जो प्राकृतिक दृश्य था वो फेड हो गया, अब धीमा पड़ गया है। ऑन द साइट, ऑन द साइट का मतलब हमारे दृष्टिकोण, हमारे दृश्य में। साइट का मतलब क्या होता है, दृष्टिकोण, दृष्टि, यानी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं तो हमारे आंखों से जो कुछ दिखाई दे रहा था वो क्या हो गया, वो प्राकृतिक दृश्य अब धीमा पड़ गया है, मध्यम पड़ गया है, फीका पड़ गया है। अब चूँकि दिन जा रहा है और शाम हो रही है, तो प्राकृतिक छटाएँ, प्राकृतिक दृश्य, प्राकृतिक चीज़ें, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब अपने घर की तरफ जा रहे हैं, तो अब जो है कि वो जो ग्लैमरिंग लैंडस्केप था, चमकता हुआ जो प्राकृतिक छटा थी, दृश्य था, वो धीमा पड़ गया है। एंड ऑल द एयर अ सॉलेम्न स्टिलनेस होल्ड्स, ऑल द एयर, सभी हवाएँ अ सॉलेम्न, गंभीर हो गई हैं, स्टिलनेस, स्थिर हो गई हैं। होल्ड्स मतलब पकड़ लेना, तो होल्ड्स का मतलब यहाँ पर है पकड़ लेना, तो अब जो हवाएं हैं वो गंभीरता को पकड़ ली हैं और स्थिरता को पकड़ ली हैं। इसका मतलब यह है कि जो हवाएं हैं वो भी शांत हो गई हैं, वो भी स्थिर हो गई हैं, हवाएं अब एकदम रुक गई हैं। ओके, वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऑल द एयर अ सॉलेम्न स्टिलनेस होल्ड्स, सॉलेम्न का मतलब गंभीर और स्टिलनेस का मतलब स्थिर या शांत, तो वातावरण जो है पूरी तरीके से शांत हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अभी मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको बता दूंगा अलग से। शेप वेयर बीटल वेल्स इज ड्रोनिंग फ्लाइट, शेप का मतलब होता है के सिवाय या बचे हुए। तो अब चूँकि सारे जानवर, सारे लोग, किसान सब वापस घर जा रहे हैं अपने, लेकिन अब कौन बचा हुआ है, यानी कि किसके सिवाय, इनके सिवाय, कौन, बीटल के सिवाय। द बीटल व्हील्स, भृंग, बीटल का मतलब भृंग, एक प्रकार का जो कीड़ा होता है उड़ने वाला, तो उसी को भौंरा टाइप का होता है, तो भृंग जो है वो व्हील्स, चक्कर लगा रहा है। हिज ड्राउनिंग फ्लाइट, अपने गुंजन भरते हुए उड़ान से। ड्राउनिंग का मतलब होता है गूंजना, यानी जैसे भूम ऐसे करते नहीं हैं, आपने देखा होगा, और फ्लाइट का मतलब उड़ान। तो कौन बच गया, अब सिर्फ पोएट के पास ये बचे हुए हैं, कुछ कीड़े मकोड़े वहाँ पर गूंज रहे हैं और उड़ान भर रहे हैं अपनी, भूं भूं करके जो भी वो आवाज़ निकालते हैं, तो वही यहाँ पर लिखा है। सेब के सिवाय, वेयर द बीटल, जहाँ पर व्रिंग व्हील्स, चक्कर लगा रहे हैं। हिज ड्राउनिंग फ्लाइट, अपनी
गुंजन भरती हुई उड़ान के साथ। बाकी तो सब लोग चले गए, बस यही बचे हैं। एंड और ड्राउजी, ड्राउजी का मतलब होता है आलसपूर्ण, ऊंघता हुआ, नींद से भरा हुआ, ऊंघता हुआ। टिंकलिंग्स, खनखनाहट की आवाज़, टनटनाहट की आवाज़। लुल, लोरी गाकर सुना देती है। द डिस्टेंट, दूर स्थित। होल्स, फोल्स का मतलब होता है तबेला, तबेले में कौन रहते हैं जानवर, यहाँ पर फोल्स का मतलब है तबेला, तो तबेले में स्थित जानवरों को वो घंटी सुला देती है। ड्राउजी, अब ड्राउजी टिंकलिंग्स यहाँ पर आया, यहाँ पर भी देखिए ट्रांसफर्ड एपिथेट का जो है यूज़ किया गया है, जो फिगर ऑफ स्पीच मैंने आपको बताया था तो उसी का यूज़ किया गया। ड्राउजी का मतलब नींद में होना, ऊँघता हुआ। टिंकलिंग्स का मतलब घनघनाहट या टनटनाहट, घंटी की आवाज़, और वो घंटी की आवाज़ कौन सी है, जो पशुओं के गले में होती है, यानी पशुओं के गले में जो घंटी है वो ऊँघ रही है, ऐसा हो सकता है, नहीं, वास्तव में जानवरों के लिए आया है। फोल्ड्स जो तबेला है यहाँ पर, तो तबेले में रहते हैं जानवर, तो ड्राउजी फोल्ड्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर यूज़ कर दिया है। तो ड्राउजी मीन्स होता है ऊँघता हुआ, टिंकलिंग्स का मतलब होता है टनटनाहट की आवाज़, घंटी की आवाज़, लुल का मतलब लोरी गाकर सुला देती है, किसको सुला देती है, द डिस्टेंट, दूर स्थित, फोल्ड्स, तबेले में स्थित पशुओं को। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हम देख लेते हैं। द पोएट इज़ लेफ्ट ऑल एलोन, पोएट अकेला बचा हुआ है क्योंकि सब लोग चले गए हैं। देयर इज़ अ डीप साइलेंस ऑल अराउंड, चारों तरफ एकदम शांति छा गई है। विच इज़ ब्रोकन हियर एंड देयर, जो कि यहाँ वहाँ एकदम जो कि टूट जाता है, यानी शांति भंग हो जाती है। विच इज़ ब्रोकन, जो भंग हो जाती है, बाय द साउंड ऑफ द बीटल, भृंग के आवाज़ से, यानी मैंने बताया ना बीटल का मतलब भृंग, भौरे, तो शांति जो थी वो शांति कौन भंग कर रहा है, बीटल, भौरे भंग कर रहे हैं, भृंग कीड़े मकोड़े, उन्हीं की आवाज़ आ रही, बाकी तो सब शांत हो गए। और ऑफ द बेल्स टाइड राउंड द नेक ऑफ द शीप, या भेड़ों के गले में जो घंटी बंधी हुई है उसकी आवाज़, दो ही आवाज़ आ रही है, एक तो भौरे की आवाज़ आ रही है भनभनाहट की, और एक तो जो टनटनाहट की मैंने बताया ना घंटी, जानवरों के गले में जो घंटी होती है उसकी आवाज़ आ रही है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे है सेव दैट फ्रॉम यंडर आई बी मेंटल टावर, सेव दैट फ्रॉम यंडर आई बी मेंटल टावर, इसके सिवाय, सेव का मतलब इसके सिवाय, तो मैंने आपको बताया एक तो वहाँ भृंग की आवाज़ आ रही थी, भौंरे की आवाज़ आ रही थी, और एक टनटनाहट की आवाज़ आ रही थी, जो पशुओं के गले में घंटी लगी थी उसकी आवाज़ आ रही थी टिंकलिंग की। सेव इसके सिवाय दैट फ्रॉम यंडर, यंडर का मतलब होता है वहाँ, और फ्रॉम का मतलब से, वहाँ से, कहाँ से, आई बी मेंटल टावर, आई बी का मतलब लता, मेंटल का मतलब ढका हुआ, टावर का मतलब चर्च की मीनार, यानी जो चर्च की मीनार थी जो आई बी मेंटल्ड थी, लताओं से ढकी हुई मीनार, उसी को बोला गया आई बी मेंटल टावर, बावरों से, बावर उसको बोलते हैं कई क्षेत्रों में, कई जगह उसको लताएं बोलते हैं, तो लताओं से या बावरों से ढकी हुई मीनार से द मोपिंग उदास बैठा हुआ आउल, उल्लू, डज करता है टू द मून, चंद्रमा से कंप्लेन, शिकायत। जो बावरों से ढकी हुई मीनार है, चर्च की मीनार, वहाँ पर उल्लू बैठा हुआ है और वो चंद्रमा से शिकायत कर रहा है, बहुत ही उदास बैठा हुआ है, बहुत ही दुखी पूर्वक शिकायत करता है चंद्रमा से। ऑफ सच एज वैंडरिंग, क्योंकि वो घूम रहा था, चंद्रमा जो है वो वैंडरिंग कर रहा था, घूम रहा था, नियर हर सीक्रेट बोवर, उसके छिपे हुए घर के आसपास, बोवर का मतलब होता है आवास या कुटिया, और सीक्रेट का मतलब छिपा हुआ, तो जो चंद्रमा था वो उसके कुटिया के चारों ओर घूम रहा था, यानी कि जो चंद्रमा का प्रकाश है
वो उसके उल्लू के घर के आसपास पड़ रहा था। आपको पता होना चाहिए कि जो उल्लू है, पता ही होगा, वो दिन में सोता है और रात को काम करता है। तो जब चंद्रमा का प्रकाश उस पर पड़ रहा था उल्लू के घर पे, क्योंकि उल्लू ने उसी मीनार में अपनी घर बनाई थी बंवर के बीच में, तो जब चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा था तो डिस्टर्ब हो रहा था, कह रहा था एक तो मैंने दिन में सो लिया है, अब फिर पड़ रहा है, फिर मैं सो जाऊँगा, अभी काम नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि रात में वो जगता है, काम करता है। तो उसने कहा चंद्रमा का प्रकाश अपना हटा लो, शिकायत करता है, कह रहा है ये तुम मेरी शांति भंग कर रहे हो। मोलेस्ट का मतलब छेड़छाड़ करना, पीड़ा देना। हर एंशियंट सॉलिटेरिंग रेन उसके पुराने एकांत शासन राज्य में, रेन का मतलब शासन या राज्य, क्योंकि कह रहा कि ये हमारा यहाँ शासन राज है, अकेले सॉलिटेरी है, तुम इसमें दखल दे रहे हो, मुझे पीड़ा दे रहे हो। तो हम थोड़ा सा एक्सप्लेन इसमें देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है अनदर साउंड विच ब्रेक्स द डीप साइलेंस, एक दूसरी आवाज़ जो उस शांति को भंग कर रही थी, ऑफ द प्लेस, उस स्थान की, इज दैट ऑफ द आउल, वो किसकी थी, उल्लू की, वो उल्लू की आवाज़ थी। द मेलंकली नाइट बर्ड, एक बहुत ही उदास रात का जो पक्षी है, लिविंग इन ग्लूम, बहुत ही उदासी में रहता है, एंड सॉलिट्यूड, और अकेला रहता है उल्लू, तो उसकी बात हो रही है। द सॉलिटेरी बर्ड इज हूटिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम फ्रॉम द आईबी ग्रोन चर्च टावर, वो जो पक्षी है, सॉलिटेरी बर्ड है, इज हूटिंग, वो आवाज़ निकालता है, बार बार हूट करता है, फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब समय समय पर, फ्रॉम द आईबी ग्रोन चर्च टावर, उस लताओं से ढके हुए टावर से, जो चर्च पे टावर बना है, वहीं से वो आवाज़ निकालता है। एज इफ सी वर मेकिंग अ कंप्लेंट, ऐसा लगता है जैसे वो कंप्लेन कर रहा हो, शिकायत कर रहा हो, टू द मून, चंद्रमा से। तो वही चीज़ मैंने आपको बताई, वांडरिंग टू नियर हर हिडन अबोर्ड, उसके छिपे हुए घर के आसपास घूमने के कारण, क्योंकि चंद्रमा की लाइटें उसके ऊपर पड़ रही तो वो काम नहीं कर पा रहा, उसको नींद आ जा रही है कि दिन में सो लिए हैं और चंद्रमा का प्रकाश पड़ेगा, दिन हो जाएगा फिर मैं सो जाऊँगा। तो ये रहा जो है कि मैंने आपको बता दिया। तो उसकी वो कह रहा कि डोंट डिस्टर्ब माई पीस एंड डोंट अनॉय मी, मेरी जो शांति है भंग मत करो, यहाँ से चले जाओ, अपना प्रकाश हटा लो और मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ये चंद्रमा से उल्लू जो है वो शिकायत कर रहा है, तो वो भी बहुत उदास है। तो ये जो है कि थॉमस ग्रे बता रहे हैं कि उस समय क्या दृश्य था वहाँ, वो बता रहे हैं कि जब मुझे ऐसा लगता है कि उल्लू भी बहुत ज़्यादा उदास है। तो ये मैंने आपको तीन लाइनों का एक्सप्लेनेशन आपको बताया, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, तो ऐसे मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए कैसा लग रहा है, कमेंट में लिखिए। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूँ तो बताइएगा, मैं तेज़ पढ़ा दूँगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को।